बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार, आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। आज साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय गाइड, जो कि साथियों आप यहां पर देख रहे हो, आधुनिक विश्व का इतिहास, इस पुस्तक का रिव्यू करने वाला हूँ मैं। अब साथियों, अगर आप विश्व के इतिहास की इस पुस्तक का रिव्यू देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस पुस्तक में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर साथियों आप आधुनिक विश्व के इतिहास से संबंधित इस पुस्तक के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि साथियों अभी तो मैं आपको सिर्फ इसका रिव्यू करने वाला हूं कि इस पुस्तक में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं। आने वाले समय में अगर आप कहेंगे तो इसका पीडीएफ या नोट्स भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा मैं, अगर कमेंट किया तो। अब साथियों, इससे पहले हमारे चैनल पर आपको कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का रिव्यू मिलेगा, जिसमें राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा, राजस्थान का इतिहास कला एवं संस्कृति ये है डॉक्टर हुकुमचंद जैन और नारायणलाल माली, इसका भी रिव्यू हमारे द्वारा किया जा चुका है। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष साथियों, इस पुस्तक का रिव्यू भी आप जरूर देखिए। उसके बाद में साथियों आप यहां पर देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम, आधुनिक भारत का इतिहास विपिन चंद्र, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसका भी रिव्यू आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। महेश कुमार वर्णवाल एनसीईआरटी सार, सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, इसका रिव्यू भी आप हमारे चैनल पर जरूर देखिएगा। उसके बाद में विश्व का इतिहास महेश कुमार वर्णवाल, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण और विश्वसनीय गाइड साथियों, इसका भी रिव्यू हमारे द्वारा किया जा चुका है। किरण पब्लिकेशन भारतीय इतिहास, इस पुस्तक का रिव्यू भी किया जा चुका है साथियों, आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिए। भारतीय इतिहास कला एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, जिसमें 2300 प्लस एमसीक्यूज दिया गया, दृष्टि आईएएस की काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों, इसका रिव्यू भी आप देख सकते हो। कला एवं संस्कृति से संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए तो इसका रिव्यू भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, यह दृष्टि आईएएस की महत्वपूर्ण पुस्तक है। टॉफर्स नोट्स, इसके बारे में भी जानकारी आपको मैं दे चुका हूं, और ये जो टॉफर्स नोट्स है इनमें भी क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, उनके बारे में भी मैं जानकारी दे चुका हूं। अब साथियों मैं आपको जानकारी देने वाला हूं एक और महत्वपूर्ण गाइड साथियों, दिशा पब्लिकेशन की, जिसके अंदर 10,000 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यूज दिए गए हैं, और ये काफी महत्वपूर्ण गाइड है आपके लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए ये सभी सब्जेक्ट के 10,000 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यूज दिशा पब्लिकेशन के। ये है सामान्य अध्ययन मनोर पारेंडे अरियन पब्लिकेशन 2021 का लेटेस्ट वर्जन है, इसका रिव्यू देखना है तो साथियों आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वहां पर आपको इसका भी रिव्यू मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत ही प्यारी और विश्वसनीय गाइड डॉक्टर विजय अग्रवाल के, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। अब चलते हैं साथियों आधुनिक विश्व का इतिहास, इस पुस्तक का रिव्यू करते हैं। इस पुस्तक में देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से ये पुस्तक कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अगर साथियों आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर भारतीय संविधान, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी, या फिर साइंस से संबंधित किसी भी पुस्तक का रिव्यू चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको प्रत्येक पुस्तक का वीडियो मिल जाएगा। अब साथियों सबसे पहले इस पुस्तक का जो खास बात है वो है यहाँ पर मैप, इस प्रकार से इस पुस्तक में दिया गया ताकि आपको विश्व के इतिहास पढ़ते समय अगर मैप की ज़रूरत हो तो, वैसे साथियों इस प्रकार का मैप आप इस्तेमाल कीजिए वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझने के लिए, इसी प्रकार जैसे मैंने लगा रखा आप भी अपना जो भी स्टडी रूम है वहाँ पर लगा कर रखिए, और एटलस का सदुपयोग जरूर कीजिए। एटलस का वीडियो आपने नहीं देखा है, नए वाली जो एटलस है 2021 लेटेस्ट वर्जन, वो भी आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए, उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। अब साथियों सबसे पहले इस पुस्तक के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि इस पुस्तक में आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले देखिए साथियों आप यहां पर, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां दी गई है उनको पढ़ेंगे। उसके बाद में चीन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा, भारत जर्मनी समझौता, ये बहुत ही ज़बरदस्त पुस्तक है साथियों। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में आपको भारत के साथ चीन के कैसे संबंध इससे पहले रहे हैं उनके बारे में जानकारी
पता होगी। जर्मनी के साथ कैसे रहे, सोवियत संघ के साथ में, भारत का यूरोपीय संघ के साथ में, वेनेजुएला के साथ में किस प्रकार का भारत के साथ में ये संबंध रहा है, ब्रिक्स के बारे में पूरी जानकारी दी गई है साथियों यहाँ पर, उसके बाद में सूडान और इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी दी गई है। भारत का जो सुरक्षा परिषद है उससे संबंधित जो 5 नए स्थायी सदस्यों में पाकिस्तान भी शामिल, इस तरह की पूरी जानकारी दी गई है। इसमें साथियों आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जिसमें भारत पाकिस्तान विभाजन से लेकर अब तक की जितनी भी जानकारी आपको होनी चाहिए वो पूरी इसमें मिलेगी। गांधी, अकबर और दलाई लामा, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। बड़े जो नेता है उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। गुट निरपेक्ष आंदोलन और कुछ महत्वपूर्ण जो शिखर सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में जानकारी इस पुस्तक में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। उसके बाद में साथियों यहाँ पर चयनित जो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है उसके बारे में जानकारी दी गई। आधुनिक विश्व की झलक आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। पुनर्जागरण के बारे में यहाँ पर विस्तार के साथ समझाया गया है साथियों। उसके बाद में यहाँ पर यूरोप के बाहर जो प्रबोधन का प्रसार हुआ है, अमेरिका, चीन, जापान, भारत, उसके बारे में जानकारी आपको इस पुस्तक में मिलने वाली। उसके बाद में साथियों समाजवादी विचारों का जो उदय हुआ है उस उदय के बारे में यहाँ पर विस्तार के साथ समझाया गया है इस पुस्तक के अंदर। बहुत ही प्यारी और विश्वसनीय गाइड है, इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद में आधुनिक राजनीति का जो उद्गम है उसके बारे में जानकारी दी गई जिसमें यूरोपीय राज्य प्रणाली के बारे में पूरी जानकारी विस्तार के साथ आपको दी गई है। उसके बाद में साथियों अमेरिका की क्रांति और अमेरिका के संविधान के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर इस पुस्तक में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। फ्रांस की क्रांति, उसके परिणाम और इन क्रांतियों का पूरे विश्व पर क्या प्रभाव रहा, वर्तमान समय में भी इन क्रांतियों का हमारे जीवन पर क्या महत्व है, वो भी पूरी जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आप देखेंगे क्रांति के परिणाम और पूरी जानकारी यहाँ पर विस्तार के साथ इस पुस्तक में मिलेगी। काफ़ी बड़ी गाइड है साथियों, लेकिन इसके अंदर पूरे विश्व के इतिहास को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझाया गया है, वो भी आधुनिक विश्व के इतिहास को। इब्राहिम लिंकन से संबंधित और अमेरिका का जो गृह युद्ध, दास प्रथा और उनका उन्मूलन, इसके बारे में यहां पर जानकारी दी गई है इस पुस्तक में। ब्रिटिश लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में पूरी जानकारी यहां पर दी गई। औद्योगिकरण का विकास, अंग्रेजी औद्योगिकरण, इससे संबंधित पूरी जानकारी दी गई। अन्य देशों में औद्योगिकरण, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, जापान के बारे में भी जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। उसके बाद में साथियों समाजवादी औद्योगिकरण रूस और चीन में, इसके बारे में जानकारी आपको दी गई है। राष्ट्र राज्य प्रणाली, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उत्थान, इसके बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद साथियों आपको राष्ट्रवाद, इटली और जर्मनी का राष्ट्र जो निर्माण है उसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी इस पुस्तक के अंदर। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय जितने भी घटनाएं हैं और साम्राज्यों का जो विघटन हुआ है उसके बारे में जानकारी इसमें दी गई है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया से संबंधित पूरी जानकारी आपको इसी गाइड में मिलने वाली है। उसके बाद में साथियों लैटिन अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बारे में पूरी जानकारी दी गई है और जो श्वेत सरकार और रंग भेद नीति अमेरिका की है उसके बारे में भी जानकारी आपको इस पुस्तक में मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूरी जानकारी दी गई। साम्राज्यवाद और मुक्त जो व्यापार है, नव साम्राज्यवाद का उदय है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। क्रांति और क्रांति के प्रमुख जो परिणाम है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में जो प्रमुख क्रांतियां हुई है उनके बारे में जानकारी दी गई है साथियों। 1917 से लेकर 1921 तक जो रूस की क्रांति है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। फांसीवाद की क्रांति, इटली और जर्मनी से संबंधित पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है साथियों। 1949 में चीन की जो क्रांति हुई थी उसके बाद में साथियों यहाँ पर आप देखेंगे 1949 में चीन की क्रांति, जिसमें साथियों चीन में साम्यवाद के उदय के प्रमुख कारण के बारे में विस्तार के साथ दिया गया। उसके बाद में साथियों यहाँ पर जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। कारण परिणाम पूरी जानकारी आपको इस पुस्तक में विस्तार के साथ पढ़ने को मिलेगी। उसके बाद में साथियों प्रथम विश्व युद्ध के कारण परिणाम के बाद में आप देखेंगे आप यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध राजनीतिक परिणाम, ये साथियों विश्व युद्ध जितने भी हुए थे प्रथम द्वितीय इन सब के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। और एक जो कोल्ड वार है जिसको हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं
उनके बारे में जानकारी दी गई। दो गुट जो थे महत्वपूर्ण शीत युद्ध के लिए, उनके बारे में भी जानकारी दी गई है इस पुस्तक में। इनके लिए जिम्मेदार राष्ट्र कौन कौन से थे शीत युद्ध के लिए, उसके बारे में जानकारी दी गई है। पश्चिम यूरोप का एकीकरण, अमेरिका रणनीति और साम्यवादी पूर्वी यूरोप के बारे में इस पुस्तक में जानकारी दी गई है। उसके बाद में साथियों तृतीय विश्व गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में पूरी जानकारी आपको इस पुस्तक में मिलेगी। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र तथा विवादों का जो समाधान है उसके बारे में जानकारी दी गई है। साथियों औपनिवेशिक मुक्ति के बारे में जानकारी दी गई है। लैटिन अमेरिका के बारे में जानकारी दी गई है। साथियों यहाँ पर अरब प्रदेश जिसमें मिस्र के बारे में पूरी जानकारी विस्तार के साथ दी गई। अफ्रीका के अंदर जो रंग भेद नीति है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। उसके बाद में साथियों दक्षिण पूर्व एशिया जिसमें वियतनाम के बारे में भी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। औपनिवेशिकवाद का अंत कब हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस गाइड में मिलने वाली है। साथियों यूरोप का एकीकरण, नाटो और यूरोपीय समुदाय के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद में साथियों आप यहां पर देखेंगे यूरोपीय समुदाय, यूरोपीय संघ का समन्वय विस्तार, उसके बारे में जानकारी दी गई। सोवियत विघटन और एक ध्रुवीय विश्व के बारे में जानकारी दी गई है। सोवियत साम्यवाद और सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था उसके बारे में जानकारी दी गई 1985 से लेकर 1991 तक विस्तार के साथ। पूर्वी यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन के बारे में पूरी जानकारी दी गई जिसमें पूर्वी जर्मनी, पोलैंड और उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है साथियों इस पुस्तक में। और विश्व में शीत युद्ध की समाप्ति और अमेरिका का प्रभुत्व इस पुस्तक में विस्तार के साथ समझाया गया है। वैश्वीकरण के बारे में यानी भूमंडलीकरण जो हुआ था उसके बारे में जानकारी दी गई है। और प्रमुख संधियां जितनी भी विश्व में प्रमुख संधि हुई है आज तक और जिनका प्रभाव हमारे देश पर पड़ा है या फिर विश्व पर पड़ा है उनके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। महत्वपूर्ण संधियों के बारे में यहाँ पर कितनी महत्वपूर्ण संधियाँ साथियों 42 और एक और है 43, यानी साथियों 43 महत्वपूर्ण जो संधियाँ हुई है विश्व की उन संधियों के बारे में विस्तार के साथ इस पुस्तक में जानकारी दी गई है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और दी गई है जिसमें साथियों जितने भी सम्मेलन हुए हैं आज तक विश्व के अंदर उनके बारे में भी जानकारी दी गई है, उनका इतिहास समझाया गया है अच्छे से इसके अंदर। तो ये साथियों इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। आशा करता हूँ साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। अगर साथियों वीडियो आपको लग रहा है कि मैं दूसरे भाई बहनों की भी मदद कर सकता हूं तो आप उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो किसी भी पुस्तक को परचेज करने से पहले प्रत्येक बुक का रिव्यू हमारे चैनल पर ज़रूर देख ले ताकि उनका कोई भी पैसा बर्बाद ना हो। अब साथियों इस पुस्तक में आपको कुछ और जानकारी देने वाला हूं मैं जो कि आप इस पुस्तक में देख सकते हो। काफ़ी विस्तार के साथ प्रत्येक टॉपिक को समझाया गया है और कुछ छायाचित्र भी इस प्रकार लगाए गए हैं ताकि आपको आराम से समझ में आए। इस प्रकार से मैप का भी सदुपयोग किया गया है इस पुस्तक में। तो यानी साथियों 100 बातों की एक ही बात है। अगर आपको इतिहास के किसी भी विषय के बारे में जानकारी चाहिए, इतिहास का विषय मतलब जैसे प्राचीन भारत का इतिहास है, आधुनिक विश्व का इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है, कला एवं संस्कृति है, इनके बारे में अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे इस YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिए। जब प्लेलिस्ट देखेंगे तो साथियों उसमें आपको प्रत्येक टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। अब साथियों आशा करता हूँ प्रत्येक पुस्तक खरीदने से पहले आप हमारे पुस्तक का जो रिव्यू हमारे द्वारा किया गया है उसको ज़रूर देखेंगे। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में एक नई उम्मीद, नए जोश, नई आशा की किरण के साथ। तब तक साथियों लगे रहिए इसी प्रकार, किसी भी एग्ज़ाम में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपने अच्छे से मेहनत की। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।